नमो रंतारम नमो सिद्धारम नमो आचार नमो उच्चारम नमो रोहितो साहूरम सुधात्मान एकांतम साधमत्तम मंगलम मंदिर संध्यातिसंध्यातम संदर्शनसपतातम मंगलम भगवान की ओर मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंडकुंडलार सोजन धर्मोक्त मंगलम प्रगटे अनुभव करे चेतन सत्तारूप सज्ञाता लगते समस्याश परमात्म वस्तु जो गुण अनंत में शुद्धता है प्रकाशन के निमित बंधुओं के युक्त ओम नमः। मरण दो प्रकार के कही है, एक भाव मरण एक द्रव्य मरण। द्रव्य मरण तो अंत समय में इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास का निरोध हो जाना, वियोग हो जाना। और भाव मरण निरंतर चल रहा है। भाव मरण कहते हैं कषायों को, मिथ्यात और कषाय के जो परिणाम है उसका नाम भाव मरण। पढ़ते हो आप यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। अब जब भाव मरण हर समय होना है तो हर समय समाधि में ये कहना हाँ, बहुत पहले एक स्थिति बढ़ते हो समाज मरण नित मिया नित समाज मरण। हमने सोचा नित समाज मरण क्या होता कि निरंतर समता रूप परिणाम होना वो समाज मरण। समाज मरण के प्रसंगों में चर्चाएं भी, जैसे देश की सुरक्षा में सेना आवश्यक है और युद्ध के काल में ही जब प्रसंग उपस्थित हो जाए तब सैनिकों की भर्ती की जाए तो क्या पहले से सैनिकों की भर्ती भी करते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं, उनको शिक्षण प्रशिक्षण बचने के उपाय बार करने के तरीके। पहले से शिक्षण प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। एकदम सेना की भर्ती कर ली जाए और उन आदमियों को युद्ध क्षेत्र में पहुंच दिया जाए अनट्रेंड तो क्या हुआ। ऐसे ही जीवन भर समाधि का अभ्यास करना चाहिए। हर प्रसंग में तत्व विचार भेद ज्ञान और समता, तत्व विचार भेद ज्ञान और समता हर प्रसंग में रिजल्ट समता में आना चाहिए। विचार किया विचार करते रहे विचार करते रहे लेकिन समता नहीं आई तो उस विचार से क्या लाभ हुआ। इस विचार से समता नहीं होती उस विचार का कोई लाभ नहीं है। हम विचार तो कर रहे हैं क्या करें, अब सोच रहे हैं झंझट छोड़ो, सोच ही रहे हैं। कब तक सोचते रहोगे, निर्णय लो भाई। और समाधि में बाधक होते हैं आधि व्याधि उपाधि, तो उपाधियों से निवृत्त हो जाना चाहिए। जैसे दीक्षा के प्रसंग में केवल घर का ही त्याग नहीं परिग्रह का ही त्याग नहीं वो तो है ही, लेकिन समस्त लोक व्यवहार का भी त्याग अंतर्गर्भित समझ लोक व्यवहार। हमने आपको पहले कहा भी था ये जो पगड़ी रस्म की रिवाज मरने के बाद पंच लोग देते हैं ये विधि अपने यहां नहीं है। पिता अपने पुत्र के माथे स्वयं अपनी पगड़ी रखता है, राजा मुकुट रखेंगे युवराज को राजा बनाएंगे और ये सेठ अपना उसको श्रेष्ठ अपना पद दे गए। अपना पद उस पुत्र को देख करके
स्वयं निवृत्त हो जाता है, पंचों से निवेदन करता है कि जैसे तुमने हमें निभाया ऐसे ही अब इसको निभाना, अब हम जो कार्य करते थे वो ये करेगा, जाना आना लेना देना जो कुछ भी है। सेठ जी भैया अब लड़का जाने, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, व्यापार उसने संभाला, तिजोरी उसने संभाली, अब दान पुण्य भी उसी में संभाला, निमंत्रण करना है तो वो ही लड़का करेगा, अपने हिसाब से काम करने दो, अपने हिसाब से नहीं जिनागम के हिसाब से। उन पुत्रादिकों को भी संबोधन दिया है ये तुम्हारे ज्ञानन साहब का चार में, अगर तुम व्यवहार से हमें अपना पिता मानते हो तो हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो, समझो क्या देवशास गुरु का सिद्धांत रखना अपने, कभी आपत्ति विपत्ति में या लोभ प्रलोभन के वशीभूत होकर के इधर उधर मत उलझ जाना, मंत्र तंत्रों में मणि मंत्र तंत्र बव होई मरते न बचावे कोई। देवशास गुरु का श्रद्धान रखना, इदम एवेद संचय तत्व नान्यन चानता, कर्म के उदय को सहन करो, सहन करना सीखो, उसके लिए भटको मत। जैसे बीमारी के प्रसंग में अस्पताल में कोई भगवान थोड़ी है, मैं अब भगवान भी हो तो भगवान कर्ता थोड़ी होते हैं, भगवान नहीं है, हैं पाप के उदय वाले भूले भगवान तो हैं ही हैं, भूले भगवान है, भटके भगवान है बेचारे, भटक गए। अपना दृढ़ श्रद्धान रखो, हमें कोई ने दुखी किया नहीं और कोई हमें सुखी करेगा नहीं, कोई हमें कसाय करा नहीं रहा, कोई हमारी कसाय मिटाएगा नहीं, कोई हमारे परिणाम बिगाड़ नहीं रहा और कोई हमारे परिणाम सुधारेगा नहीं। अपने मन को बिल्कुल निश्चिंत दृढ़, ये देह संयोग हुआ है तो उसका वियोग होगा, जितने संयोग हैं उन सब का वियोग होगा, पहले से ही अपने ममत्व को समेट लो, देह तो तोय तजेगी निदान पे तुई तजे तुम देह की यारी, हे भाई देह की प्रीति को तुम छोड़ो, देह तुम्हें छोड़ेगी फिर तुम दुखी हो। मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो, अरे साहब अब ऐसे अब हमारी उम्र ही का है, तो मृत्यु उम्र को देखती है, बालक युवा वृद्ध को देखती है, अब निचली भूमिका में ज्यादा थोड़ी उपाधि से काम चलता है तो ज्यादा उपाधियों में मत पड़ो और एक समय रहते उस उपाधि को छोड़ दो, उपाधियों को अपने पदों को छोड़ दो, उस संबंधी समस्त व्यवहार को छोड़ो, अब जाना आना भैया वो लड़के जाने वो जाने अपन को छोड़, मुझे नुकसान हो गया भाई तुम समझो हम क्या करें बता, ये लाभ हो गया तुम समझो, नुकसान हुआ है तो तुम्हारे परिणामों का नुकसान तो नहीं हुआ है, संबोध परिणामों का नुकसान अब क्यों कर रहे हो, संकलेश करना पने परिणामों का नुकसान करना, अब संकलेश परिणाम क्यों कर रहे हो, लाभ हुआ है तो क्या लाभ हुआ, तुम्हारे परिणाम तो विशुद्ध हुए ही नहीं है, तुम्हारा धर्म कार्यों में उत्साह बढ़ा नहीं है, लाभ क्या हुआ ये बताओ,
कोठरी से जा के ताश के पत्तन पे बैठ गए, अब लाभ क्या है तुम्हारे ठीक होने से? मंदिर आते, स्वाध्याय सुनते, विचार करते, कुछ निवृत्ति होती, कोई परिणामों में शांति होती, तो कुछ लाभ था। भैया लाभ हानि इन संयोगों में मत देखना, लाभ हानि अपने परिणामों में देखना। संयोगों में लाभ हानि देखना हो तो कैसे देखोगे बोलो? वहां भी उन परिणामों से ही नाप रहा। एक साधर में टूट गया तो लाभ हो गया, हानि हो गई। अपनी कसाय के कारण, तीव्र कसाय के कारण कोई साधर्मी धर्म मार्ग से च्युत न हो। धर्म मार्ग में लगे और बढ़े, निरंतर परिणाम चढ़ते रहे, इस प्रकार से उपाय करना चाहिए। इसे हम सद्भूत व्यवहार न ऐसे धर्म की हानि सोचते हैं, वही असद्भूत व्यवहार न ऐसे धर्मात्माओं की हानि, बस ये समझना। हमारे किसी व्यवहार से कोई धर्मात्मा टूटे न, धर्म की अप्रभावना न हो, समाधि की तैयारी करो। मैंने किसी से बैर विरोध की गांठ मत बांधो। देखा नहीं, अरे ये तो बेई है, ये तो बेई है। नहीं भैया, बेई नहीं है, जो वही है उसे तो तुम देख कहां रहे हो। द्रव्य स्वभाव से देखो तो वही है, लेकिन पर्याय से देखो तो निरंतर बदल रहा है, वही कहां है? तुम तो पर्याय से देख रहे हो और कह रहे हो ये वही है, ये वही है। अगर वही है ये देखना है तो आप द्रव्य दृष्टि से देखो, तब समझ में आएगा कि वही है, तब तुम्हारा समझना सच्चा है ये वही है। लेकिन पर्याय दृष्टि से देखते हुए ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही कहां है? द्रव्य की पर्याय निरंतर बदल रही हैं, बदलते हुए परिणामों को देखो, विश्वास रखो ये बदल सकता है। ऐसे ही नहीं बदलते, ये तो वैसे ही है। नहीं, बदलना चाहे तो अभी बदल सकता है परिणाम। स्वभाव को बदलना चाहे तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ये कौन स्वभाव है जिनको हमें बदलना है? अपनी इन प्रवृत्तियों को, इन वचनों को, इन व्यवहारों को बदलना बहुत संभव है, एकदम संभव है, बदल सकते हैं। दृष्टि बदल सकते हैं हम अपनी, ऐसा नहीं कि नहीं बदल सकते। अरे जिसे हमने अपना मान लिया उसे पर मानने में, अब इसमें क्या बात, मान सकते हैं ये पर है, क्यों पर है, मान सकते। इसको हमने लाभ माना व नुकसान समझो, ये नुकसान है, क्योंकि यहाँ परिणाम हमारे कितने कलुषित हो रहे, कर्म बंद हो रहे हैं। इसको हानि मानते, नुकसान मानते, उसमें लाभ का उपाय करो। शरीर कमजोर हो गया, क्षमता का अभ्यास करो। अवगुण में से गुण ग्रहण करना सीखो, गुण को अवगुण ग्रहण मत करो, उपकार को
अपकार के रूप में नहीं, उपकार अपकार का बदला भी उपकार, अपकार का भी उपकार ग्रहण करो। अगर ये डबल सीट समुद्र में नहीं डालता तो कैसे गुणमाला का विवाह होता, कैसे इस कथा की प्रसिद्धि होती? बोलो, जो हमारे परिणामों की समाधि समता में सहायक है, विशुद्धता में सहायक है, वही हमारा मित्र है। ये व्यवहार नय का कथन है। जो परिणामों की संक्लिष्टता का निमित्त है वह हमारा मित्र नहीं है भाई, मित्र नहीं है। अब ये सोचो, जब हम जरा जाना होता है कहीं भी तो सोचते कौन सी गाड़ी में बैठे, तमाम गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट चलने, लेकिन उसमें नहीं बैठेंगे, खड़ी गाड़ी में बैठेंगे, साथ ही देखेंगे, साधन देखेंगे, तो क्या देखेंगे? तुम कहाँ जा रहे? हम तो भिंड जा रहे। तो कहा संगम आओ तुम्हारो, हम ग्वालियर जा रहे। तुम कहाँ जा रहे? दिल्ली जा रहे। ए तो हमारे तुम्हारा का संग, हम तो बम्बई जा रहे। तुम कहाँ जा रहे? कि गिरनार जा रहे। तुम्हारा हमारा का संग, हम शिखर जी जा रहे। मैंने ऐसे एकदम सोच लेते तो हमारा तुम्हारा क्या संग? ऐसे इन मोरियों का और इन मोक्ष मारियों का संग क्या है बताओ? मोरियों का और मोक्ष मारियों का संग क्या है? ये तो रही रम स्वारथ की रस, तू परमारथ की रस राचो, ये तन में तनमय तन सोंजर चेतन तू इन सोनित हाथो, हो सुखी अपनो बल फेर के तूर के राग विरोध को तांतो। समेरो हमारे तुम्हारे का संग भैया, लौकिक में कह देते भैया जैसे बड़े आदमी है भैया, उनको अपनो का संग है। ऐसे भैया तुम ये सोचो, इस अज्ञानी जीवों के साथ तुम्हारा क्या संग है, क्या मेल मिलाप है? तुम्हारा अर्थ प्रयोजन सुखी होना है, वितराग विज्ञानता है, अपनी वितरागता बढ़ाने का लक्ष्य बनाया तुमने, और उन्हें तो पैसा बढ़िया, परिग्रह बढ़िया, वैभव बढ़िया, मान शान मिल गया, बस खत्म। अब तुम्हारा उनको क्या संग है? देखो कल भी हमने कहा था तुम बच्चो सावधान रहो, ला करके कोई बढ़िया मैगी मिष्ठान मिष्ठा मेवा मिष्ठान दे दे, वह फल फ्रूट दे दे, वह और कोई सामान दे दे, वह भैया खतरा है ये महाराज मोबाइल आप ले ले। मोबाइल हम पैसा हम दे रहे, आप ले लो, बैलेंस को ले रहे वह रखे को देखे को लोभ में मचाओ। बाह्य साधनों में बाह्य साधन ढूंढने की अपेक्षा या बाहर में साधन ढूंढने की अपेक्षा की व्यग्रता से जी व्यर्थ पराधीन होता है। लगता है काम की चीज है, काम की चीज नहीं है। काम की चीज है तो भगवान के पास होना चाहिए, मुंडाई के पास होना चाहिए। ये चोरी सिखाता है मोबाइल, पांचवा पाप सिखाता है मोबाइल, व्यग्रता आकुलता बहुत बड़ा। अभी ले अभी ले, दस दस मिनट में फोन लगा रहे, दस दस मिनट फोन लगा रहे एक काम के लिए, और दस जने एक काम के लिए फोन लगा रहे, फोन वाला भी परेशान और करने वाला भी परेशान। इन सारे आकर्षणों से सुविधाओं से बहुत बचो, बहुत बचो, बहुत दूर। मिटती ज्ञान मिटाइए, घटती ज्ञान घटाइए, अगर मिट सके तो मिटाओ उसको,
और नहीं मिट सके तो कम से कम घटाओ तो सही। सर्वसंग निवृत्ति का अवसर न हो तो आंशिक निवृत्ति तो खोजना उसमें। ये शोभा नहीं कलंक है, ये सुख नहीं दुख है, ये अपना नहीं पराया है। और उलझा दिया तुम उलझे रहो, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने वो खराब हो गो। अरे तो ठीक करा ले, वही करा ले, बैलेंस खत्म हो गो। हाँ हम डरवा एकादश डरवा तुम डरवा। लौकी जी बहुत ये समझ लो, बात बड़ी है जो बने आवे बाहर भवन को डारे। समाजी की तैयारी ये है क्या? बात बड़ी है जो बने आवे बाहर भवन को डार है। बोलो क्या अर्थ है? अरे ये हमारा घर है, ये मान्यता छोड़ देना चाहिए। हमारा घर है, हमारे कोई पिताजी है, हमारे कोई माँ है। अरे शरीर के माता, शरीर के पिता, शरीर ही अब हमारा नहीं है तो हमारे माता पिता आए कहाँ से, घर आया कहाँ से? ये मोह के कार्य हैं, मोह के कार्य, मोह को बढ़ावन वाले हैं ये सब। श्रुत परिचित अनुभूत, जितनी वहां सुनोगे उतनी परिचय बढ़ेगा, उतना ही अनुभव उसी में रचे पचोगे। आत्मा को जितना सुनोगे उतना परिचय होगा, उतनी अनुभूति के निकट आएंगे। देखो मोह अनादि काल का हो रहा है, लेकिन वो मोह हमारे भूल का, हमारी भूल है। मोह के कर्ता हम हैं, हमने मोह किया, उसने मोह नहीं कराया और हमें छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो कुडू जैसे गड्ढे का पानी सड़ जाता है, ऐसे बस उन्हीं में सड़ जाओगे, अटक के रह जाओगे। एक प्रोफेसर ने विवाह नहीं किया, पुरानी बात है, सिखा तुमने विवाह क्यों नहीं किया? कि जो बात्सल्य हमारा सबके लिए है उसको चार लोगों में सीमित कैसे कर दें, छह लोगों में सीमित कैसे, सड़ जाएगा कुआ। बस हमारे भैया, हमारे भतीजे, हमारे बस उतने ही। अगर तुम्हें परमार्थ साधना है तो ये सोचो हम किसी के हम कोई न मान, और उसके साथ का जो व्यवहार है सहचर वो इतना व्यवहार है कि हम सबके और सब हमारे, बस बीच में कटौती नहीं आई, सुखी रहे सब जीव जगत के, मैत्री भाव जगत में मेरा परिवार से रहे कि जाति वालों से रहे के मनुष्यों से रहे, नहीं नहीं ये संकीर्ण भावनाएं छोड़ दो। संकीर्ण भावनाएं बिल्कुल छोड़ दो। गड्ढे में पानी रहता है वो सड़ता है निश्चित है, तो गड्ढे में मत रहो, कुआ मंड बस उतना ही सीमित मत करो अपने को। अगर समाधि करनी है तो जो तुम्हें अपने से लगते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं, जो तुम्हारे शरीर की और भोगों की अनुकूलताएं देते हैं उनसे बचो, सावधान रहो, ये अपने नहीं है। समाधि का मतलब केवल रोटी छोड़ देना नहीं है, काय संलेखना का वो एक अंग है, क्रम क्रम से भोजन आदि छोड़ देना, लेकिन ये तैयारी पहले से बहुत पहले से नहीं चल पाएगी। लेकिन कसाय सर लेखना ये पहले से तैयार, अब कोई उपाधि नहीं। आचार्य ने आचार्य पद सौंप दिया, राजा ने राज पद सौंप दिया, शेर ने सृष्टि पद सौंप दिया,
वक्ता ने वक्ता पद सौंप दिया, श्रोता ने श्रोता पद सौंप दिया। परिग्रह की विस्तार में मत पड़ो, अपना सीमित स्वाध्याय, सीमित स्वाध्याय। गैरुद्धता को बंद करो, जीव पढ़ने जीव सीख रहे। अब जो बताओ, आंख नहीं रही तो क्या कैसे पढ़ोगे, लाइट चली गई तो कैसे पढ़ोगे, शक्ति नहीं है तो कैसे बैठोगे। कोई अपेक्षा मत रखो ये शरीर में इतनी शक्ति बनी रहे कि हम नहीं नहीं अब जो है उसमें अपना काम करना सीखो, अपना चिंतन। और फिर चिंतन भी रुक करके फिर सहज 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 की दशा है, लेकिन चिंतन तक तो कम से कम आया हो। अपना चिंतन बढ़ाओ, पढ़ना लिखना ये नहीं, पढ़ाना लिखाना ये नहीं, चिंतन बढ़ाओ। इधर देख करके बोल रहे हो, इधर अपने को संबोधन करो, इधर मत संबोधन करो। ये समाधि की तैयारी है। अकेला देखो, अकेला अकेला अकेला, को कहां की पिताजी, कहां की माता, कहां का भाई, कहां की बहन, जे को है, जे बहन है और जे को है, ये राजदेश क्यों खड़ा करते हो, क्यों खड़ा करते हो, बोलो। जब परिणति होती जड़ की, जब परिणति होती जड़ केरी, जड़ की ओर जाती था बस, ये शरीर की ओर चली गई सोई बस्ती है हमारा भाई। हर समय सावधान रहो, भयभीत कभी मत रहो। मृत्यु आएगी तो क्या करेगी, काल या मृत्यु, बोलो क्या लिखा है, शरीर का ही ग्राहक है, मेरा ग्राहक तो है। मक्खी अग्नि की ज्वाला पर थोड़ी बैठेगी, मिठाई पर गंदगी पर बैठेगी, तो गंदगी और मिठाई मत फैला। मैं तेज पुंज हूं, मुझे मृत्यु ग्रहण नहीं करती, मैं अनादि अनंत हूं। नमे मृत्यु, बस इतना ही पढ़ते जाओ, जो तुम्हें भय दिखाई दे तो ही उस भय को जीतो। नमे मृत्यु, मन अपमान स्थान, अगर तुम्हें बुरी जल्दी से लग जाती है और जब से मन खराब हो जाता है तो ये सोचो, मन अपमान स्थान जीव के नहीं, और मैं जीव हूं, मेरा अपमान मेरा सम्मान नहीं है, मेरी प्रशंसा मेरी निंदा नहीं है, मेरी निंदा और मेरी प्रशंसा नहीं है, किसी और की प्रशंसा हो रही है। ऐसे सुनो इस प्रशंसा को, मानो किसी और की प्रशंसा हो रही है, और मानो क्या सही बात है, और ही की हो रही है। आंखें तो अच्छी हैं, तो आंखन की प्रशंसा है, तुम्हारी का प्रशंसा, नाक अच्छी है और तुम खुश हो रहे, तुम्हारी नाक अच्छी है, तुम्हारी नाक ही नहीं अच्छी और बुरी क्या होती है। गला तो अच्छा है, बढ़िया गाता है, गला तो अच्छा है। अब गला ही तुम्हारा नहीं है तो बढ़िया और खाली घटिया क्या, ये सोचो गले की प्रशंसा है, ये मेरी प्रशंसा नहीं है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा देखी है, गलो कहाँ है, आंखें कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, हाथ कहाँ है, उंगलियां कहाँ है, बताओ कहाँ है। तो मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, सिद्ध समान हूँ कि नहीं, तो फिर मेरी आंख नाक कान कहाँ है बताओ, कछु नहीं है। कैसी बातें करते, कछु नहीं है, हाँ ज्ञान ही नेत्र हैं, ज्ञान शरीरी, जो हाथों से काम करोगे ज्ञान से अपने आप हो जाएगा। हाथ से जो देखोगे ना इस पर, ज्ञान से तो अपने आप इस पर दिखेगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर हाथ से देखोगे तो राग द्वेष होंगे और ज्ञान से देखोगे तो राग द्वेष मिटेंगे। नहीं कैसे हाथ लगा के देखो तो राग होए, ऐसे हाथ लगा के देखोगे तो राग होगा और ज्ञान से देखोगे तो वैराग्य होगा। जो राग द्वेष को उत्पन्न करे उसे ज्ञान नहीं कहते, वो अज्ञान है और उसे ज्ञान मानना बड़ी भ्रम है, भ्रांति है कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं। वर्तमान पर्याय में अगर अनुभव करना है आपको तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा सोचो। सिर्फ सम कम है ज्यादा है का जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के बड़ा कर रहे हैं, बड़ा मानने से हम बड़े नहीं हो गए, किसी के छोटे मानने से हम, किसी की निंदा करने से हम निंदनीय नहीं हो गए, किसी की प्रशंसा करने से हम प्रशंसनीय नहीं हो गए। हम तो जो हैं सो ही हैं, निरपेक्ष। मिश्री का मिठास किसकी अपेक्षा रखता है, कोई चार करके साठ बिगड़ दे तब। मिश्री का मिठास कोई त्याग करके साठ भी कर दे, मिश्री मीठी है। अरे हमने तो आपको कहा था, भूल गए? अगर कोई पित्त ज्वर वाला मिश्री को त्याग करके कड़वा भी कहे तो भी मिश्री मीठी, उसके कहने से क्या होता है? उसको पित्त ज्वर है, उसको अपना इलाज करना, ताकि बुद्ध में भूल मूल्य मर को न घटते, ताकि बुद्ध में भूल मूल मन को न घटते। वह भी जो आज पित्त ज्वर के कारण कड़वा कह रहा है, किसको? मिश्री को। वह भी जब पित्त ज्वर मिटेगा, पीलिया मिटेगा, तब वह भी उसे मीठी कहेगा। अभी तुम्हें लगता है आत्मा में का है, मोक्ष में का है, वैराग्य में का है, संयम में का है, लेकिन जब तुम्हारा मिथ्यात्व मिटेगा तब तुम भी यही कहोगे कि आत्मा ज्ञानमय है, आनंदमय है, मोक्ष में ज्ञान है, सुख है, संयम आनंद रूप है, आनंद का कारण है। तब तुम्हें भी वस्तु स्वरूप ऐसा ही भाषित होगा जो ये ज्ञानियों ने कहा है। अभी चांद का चुला गया। जब तुम्हारे, हमने कहा था ना, जब तुम्हारी तीन चौकड़ी कूटेंगी तो तुम भी नग्न ही होगे। अगर कहोगे अरे नंग अच्छी नहीं है, खूब संभव हाँ ठीक नहीं लगता, एक लंगोटी में कहा है, एक लंगोटी में सारे मोहन धर्मों का नाश है, लंगोटी में कहा है, क्यों लंगोटी क्यों, पहले ये पूछो। अरे इसको ढांकने की जरूरत है, इसको ढांकने की जरूरत नहीं, इतनी ढांकने लंगोटी से कहा ढांक रहे, उस विकार को तोड़ो। वस्त्रम विकार वेष्टनम, वस्त्रम विकार वेष्टनम, विकार को ढांकने की कोशिश करते मिटाने की कोशिश करो। पर विश्व का परम विश्वसनीय रूप है ये निर्गंध रूप, परम पवित्र रूप है ये निर्विकार बालक वत निर्भय, तिनके चरणन धोक हमारी। अभी तुम चाय कुछ कहो, अरे भैया ठंड है, एक चदर ले लो, ने काम कर ले, कहा है दो टाइम खा ले, लेकिन जब तुम्हारी तीन चौकड़ी टूटेंगी तब तुम भी युक्ताहारी होगे, कल एक बार आहार करोगे तुम भी, और जब चारों टूटेंगे तो अनहारी जैसा आरंभ जैसी होगी।
अभी चाहे कुछ कह ले जो कुछ कहना सुखा वो बंत नहीं है, बंत नहीं है। अरे बनती नहीं इसलिए नहीं है, तुम्हारे भीतर कथा है। जब केसरिया रंग ही नहीं चढ़े तो मेला कपड़ा रखा है, केसरिया रंग चढ़ेगा कैसे? धर्म का रंग तुम्हें कैसे चढ़ेगा? धर्म के प्रति उत्साह कैसे आएगा? सुनने में उत्साह नहीं आएगा, विचारने में उत्साह नहीं आएगा, मानने में उत्साह नहीं आएगा, बस अपनी मनमानी में उत्साह आएगा। हमारा भाव नहीं है, खत्म। हमारी शक्ति नहीं है, ये पता नहीं है। शक्ति नहीं है तो शक्ति आएगी कहां से, ये बता। धर्म कार्यों को छोड़ने से शक्ति नहीं आएगी, धर्म कार्यों में लगने से शक्ति आएगी। क्यों? धर्म कार्यों में लगने में पुण्य का बंध होगा और पुण्य के उदय में शारीरिक शक्ति आएगी। और तुमने सोच ली छोड़ने से शक्ति आएगी तो छोड़ भी एक 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 ही छोड़ जाओ, कुछ क्या होगा? अगर तुम्हें समाधि चाहिए, शांति चाहिए, तो ये प्रतिज्ञा करो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं एक और फिर भी मैं पूरा हूं, मैं एक गाय हुआ हूं। अनंत काल तक और कुछ मत सोचो इस दवाई के बाद। कही थी ना दवाई का, अब 3 घंटा कुछ नहीं खाने। हम कह रहे अनंत काल आप कुछ नहीं खाना, अनंत काल तक कुछ मत मानो अपने को, और कुछ मत मानो, जो कह रहे सो ही चुपचाप सुनते जा, हम कह रहे तो सुनो। डॉक्टर कह, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर से कोई कह रहे साथ जी ले लें तो, जी दवाई ले लें तो, और जी खा लें तो, अरे भाई तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? हम कह रहे सो ही करो, चुपचाप जा, फालतू बात मत करो, इलाज करो जाकर, जो कह रहे हैं सो करो। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि भैया हम कह रहे हैं सो ही समझो उसको, और वैसे ही हाँ मत कर दो, प्रमाण करो उसको। जब तुम्हें स्वानुभव होगा तो तुम्हें भी यही लगेगा कि ये सुख रूप है, तब लगेगा कि माना माना मेरे नहीं है, तब कहेंगे भगवान ठीक कह रहे थे, गुरु महाराज ठीक कह रहे थे, शास्त्र में ठीक दिखा रहे। स्वानुभव ज्ञान में तत्वों की यथार्थता सम्यकता भाषित होती है। ठीक कह रहे, कही तो ठीक है। समाधि का अभ्यास करना माने एक जीवन अपना सर्वस्व जैसे स्त्री पति के लिए सौंप देती है, ऐसे तुम ज्ञानाभ्यास के लिए सौंप दो। ज्ञानाभ्यास करे मन मानी अभी क्या ज्ञान उपयोग, और बातें नहीं, फालतू नहीं। गाड़ी में जैसे तेल डाल दे तो पेट्रोल, आज की बात हम पेट्रोल कह देते, ऐसे ही बस थोड़ा सा रूखा सूखा खाए के बस अपनी धर्म ज्ञान करो, धर्म ज्ञान करो, धर्म ज्ञान करो। मोह तुम्हें नाना प्रकार से भटकाएगा, स्वास्थ्य कमजोर रहने का अच्छी तरह खाओ, अरे नहीं फलाना करो, नहीं कैसा करो, अरे कुछ नहीं है, मन कमजोर मत करो। और जितना मन कमजोर करोगे उतना स्वास्थ्य भी कमजोर होता जाएगा, आलसी होते जाओगे। महापक्ष को प्रदान करो भाई, अपने परिणामों की निर्मलता का लक्ष्य रखो, परमाणु उसी को परिणामों की सम्यकता और निर्मलता के लक्ष्य से ही कार्य करो। बात बाकी ठीक है, जिसे जो कहना है उसको कहो, नहीं कहना उस मत कहो, लेकिन बेईमानी से नहीं, दूसरे हमसे अपेक्षा न रखें, इसके लिए हम पहले किसी से अपेक्षा मत रखो। लड़कों को हमसे कुछ नहीं अपेक्षा रखना चाहिए, अब
अब समारोह अपनी दुकान ठीक है। तो तुम लड़कों से अपेक्षा मत रखो जी सेवा करें कि जी रोटी देवे कि ये हमारी बात माने ना ही कोई अपेक्षा मत रखो। यद व्यवहार से तुम अपना को हमें अपना पिता मानते हो तो देव सास गुरु का सद्धान रखना, अन्याय मत करना है, अपने सटावश्यकों में सावधान रखना, गीत ज्ञान निरंतर रखना। अपने ये देह छूटेगी, जीवन छूटेगा, छूटा हुआ ही देखना, तुम पहले से ही तैयार है ना, स्टेशन आए बार हुए सामान बांध के तैयार कर लो। बढ़िया समाचार जी में लिखा, ये शुद्ध नय का आश्रय करने से पर जो बाहर भटकती हुई किरणें हैं, किरणें किरणें सब लिखा, मैंने उपयोग की जो पन्न की बाहर जाती है वो ऐसे समेट गई। अब कहाँ जाए, किसको देखें, किसको। किसको देख, हम अपने अनुमोदन ही कर रहे, ठीक है तुम ही कर, ठीक बात है, न कर सको तो अनुमोदन करना, और शक्ति हो तो अनुमोदन करके मत रुक जाना, स्वयं करना। अपने पे शक्ति है और फिर भी कहें अपन अनुमोदन ही कर ले, अपन अनुमोदन ही करना, यही बहुत है, यही बहुत है, ऐसी बात है मत करना। यदि कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदि कीजिए, यदि शक्त नहीं हो तो अरे श्रद्धा निश्चय कीजिए। अनुमोदन की बात तो तब है, अगर नहीं कर पा रहे तो अनुमोदन ही कर ले, लेकिन कर पा रहे हो तो करो। यदि कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदि कीजिए, यदि शक्त नहीं हो तो अरे श्रद्धा निश्चय। विचारना अगर तपस्या नहीं किया तो ज्ञान का तुम्हें क्या फल मिला, कैसे मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ोगे। ज्ञान तो हो गया ये मैं हूँ, अब क्या करें, ये घर हम आओ है, अब क्या करें, क्या आराम से रहो, अब क्या करें, क्या आराम से रहो और कुछ नहीं करो। अब भटकने की जरूरत नहीं, बेरोजगारी का मैं किराए के मकान बदलने पड़ते थे, अब बदलने की जरूरत नहीं, जगह तुम्हारा हुआ है तो मैं आत्मा हूँ, अब क्या करें, अब वो पूछे क्या करें, भूख लगी है उसे भोजन है, अब क्या करें। वहां तो तुम बेईमान हो, द्वारा परीक्षण करके उसके बाद दान पूर्वक भोजन करना चाहिए, लेकिन दान की नहीं झपट पड़ेंगे, झपट देखते फिर नहीं याद आएगी काऊ की, कहा के देव, अरे देव तो भोजन ही नहीं करते, आहार नहीं देते। हाँ उनको स्मरण करो, भी आहार नहीं करते, हम क्या आहार के पंच में उलझे हैं, मुंडा युक्त आहार करते, कैसे आहार करते, हम कैसे कर रहे, झपट्टा मारता है, राग द्वेष करता है, झुंझलाता है, चिड़चिड़ाता है, अनुकूलता है उन्हीं में उलझ जाता है पूरा का पूरा। अब क्या करें कि आराम से बस ये घर हमारा है, बस खत्म हो गई, अब क्या करें कि एक पोस्ट नहीं खत्म, अब आराम से रहो। अब कौन सी गाड़ी में बैठने के, अब कहू गाड़ी में बैठने, गाड़ी तो बाहर भेजती है, बाहर से लाती है, अब बाहर है ही नहीं तो काय में। ये समाधि का उपाय है, ये समाधि का पुरुषार्थ है। किसी समय देह छूट सकती है, क्यों हर समय छूटी हुई है तो किसी समय छूट सकती है, इसको क्यों चिंता करो, हर समय छूटी हुई अनुभव करो ना, कैसे तो कैसे करें बस तो कैसे करें, अरे कैसे करें भाई, जैसे अनंत भगवंतों ने किया है तुम अपने उपयोग को समेटो, और कोई उपाय नहीं। ओम नमः।
हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन में।